हमजा, आई एम सॉरी। किस बात का? वही जो मामा ने कहा तुम्हें उसके लिए। पहली बात तो मुझे इसकी आदत हो चुकी है, सेकेंडली वो तुम्हारा कसूर नहीं था, और वैसे भी मुझे लगता है कि आंटी ने हमारे रिश्ते को दिल से कबूल नहीं किया, इसलिए कभी कभी वो ऐसी बात कह जाती हैं जो मुझे या तुम्हें बुरी लगती है। और तुम्हारा कितना अच्छा अखलाक है ना, ना तुम कभी किसी के बारे में बुरा कहते हो ना सोचते हो। और उसके बावजूद तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो और उसका इजहार भी कर रही हो। तो गलती है ना मेरी, उसी के लिए तो एक्सक्यूज कर रही हूँ। हमजा, एक प्रॉमिस करना पड़ेगा तुम्हें मुझसे, और ये भी कि तुम वो प्रॉमिस तोड़ोगे नहीं। या अल्लाह, खैर क्या प्रॉमिस है? तुम जुगनू से कभी बात नहीं करोगे और ना ही उससे कांटेक्ट में रहोगे, कभी भी नहीं। सोनिया, तुम वादा कर रहे हो या नहीं? पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें जुगनू से प्रॉब्लम क्या हो? क्या मसला है उससे जो तुम मुझे कह रही हो कि मैं वादा करूं उससे कांटेक्ट ना करूं? बताओ। हेलो, तुम्हें मैंने मैसेज भी किया था कि मुझे कॉल बैक करना। लेकिन तुमने शायद जरूरी नहीं समझा। वो बात नहीं है। तो फिर कॉल क्यों नहीं की? Honestly, मैं भूल गई थी। हाँ, और मुझे देखो, जब से तुम्हें मिला हूँ भुला ही नहीं पा रहा। क्या वो तुम्हें बुरा लगा? नहीं। तो तुम ये तो बोलोगी नहीं कि अच्छा लगा। ये बताओ, तुम्हारा शोल्डर कैसा है? मेरा मतलब है, चेकअप वगैरह करवाया? जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही ठीक हो गया। मेरे बारे में कुछ नहीं पूछोगी? तुम्हारे बारे में क्या पूछूं? मतलब मेरे बारे में पूछने को कुछ है ही नहीं। यार, तुमसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में ना वापस आ चुकी हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम मेरा टेस्ट ले रहे हो और मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी हूँ। यार, तुम्हें नहीं लगता हमें दोबारा मिलना चाहिए? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। तो अब सोच लो। मैं तुम्हें वेन्यू टेक्स्ट कर देता हूँ, जब भी तुम्हारे पास टाइम हो मुझे बता देना, बैठेंगे गपशप करेंगे। जब मैं फ्री हूँ, मतलब तुम हर वक्त फ्री रहते हो कि मेरी एक कॉल पे तुम आ जाओगे? ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय। Thank you.
तुम जुगनू से कभी बात नहीं करोगे और ना ही उससे कांटेक्ट में रहोगे, कभी भी नहीं। सोनिया, तुम वादा कर रहे हो या नहीं? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें जुगनू से प्रॉब्लम क्या है? आई मीन, क्या मसला है उससे जो तुम मुझे कह रही हो कि मैं वादा करूं उससे कांटेक्ट ना करूं? बताओ। हमजा ने किस चालाकी से खुद को वादा करने से बचा लिया? क्या वाकई इस लड़की की नियत से अनजान है? क्या मेरे सामने बन रहा है? क्या करूं, दोबारा हमजा से बात करूं या नहीं? मेरी बात सुनो, तुम जितना हमजा भाई को उस लड़की के बुरे इरादों के बारे में बताओगी ना, वो उतना उसके बारे में सोचने लग जाएंगे। तुम ना चाहते हुए भी हमजा भाई को जुगनू की तरह मुतवज्जा कर रही हो। जब वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि वो इसे बहन मांगते हैं, तो बार बार उन्हें इस बात का एहसास दिलाना कि जुगनू आपको दिल से भाई नहीं मांगती, ये सब करने से तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगी। समझ रही हो मेरी बात को? समझ रही हूँ, तुम ठीक भी कह रही हो, लेकिन वो लड़की इतनी चालाक है और इतनी सफाई से खेल खेल रही है कि कभी भी वो किसी को भी गलत नहीं लगेगी, इसीलिए तुम ये कह रही हो। उनको छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि दोनों का आमना सामना हो ही ना पाए। ऐसा मैं नहीं कर सकती, वो हर वक्त हमजा से कांटेक्ट में होती है। तो तुम अपना रिलेशनशिप हमजा भाई से स्ट्रांग रखो, अपना रिलेशनशिप खराब मत करना, वरना वो तुम दोनों की जिंदगी तबाह कर देगी। मैं तो सोच रही हूँ कि वापस जाके हमजा से प्रॉमिस लूँ कि आइंदा वो जुगनू से कांटेक्ट में ही नहीं रहेंगे। यार, मैंने तुम्हें अभी इतना समझाया है, तुम फिर वही बात कर रही हो। क्या बात है, किसको सोचा जा रहा है इतनी देर से, वो भी इतने हिनमाक से। आपके बारे में? वाकई क्यों, यकीन नहीं है? अंधा यकीन। Thank you.